पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो कि फुलवारी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर से है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आपको बता दें ये राजधानी के सुबह 10 बजे की घटना है, जहां पर स्थानीय लोगों की सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पर हत्या के आरोप में उसी के पति को अरेस्ट किया गया है। जुनैद नाम का जो उसका पति है उस पर हत्या का आरोप लगाया। स्थानीयों का कहना है कि 22 फरवरी को पिंकी की शादी जुनैद के साथ हुई थी, जिसके बाद लगातार दोनों में कलह चल रहा था और आज 10 बजे के करीब उसे कैंची मारकर हत्या कर दी गई। लगातार शरीर में कई जगह चाकुओं से वार किया गया, जिसके कारण पिंकी गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार न मिलने के कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जुनैद को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यहाँ प्रेम प्रसंग का आ रहा है सामने, क्योंकि जो पिंकी थी उसका कई और लोगों के साथ फोन पे कनेक्शन पता चला है पटना पुलिस को। लगातार तमाम जानकारियों के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।